Today, I'll start with you a new topic, or rather a subject which is called economics. So let's begin with understanding what is an economy. क्या होती है एक economy? हम एक economy word से क्या समझते हैं? So economy is a system which is spread over a particular area, that is a country or a nation, that reveals the nature and level of economic activities in that area. कहता है economy एक फ्रेमवर्क है, एक सिस्टम है, एक दायरा है जिसके बीच में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, एंड इट शोज हाउ द पीपल ऑफ द कंसर्न्ड एरिया अर्न देयर लाइवलीहुड और लिविंग. कैसे वो अपनी जिंदगी जीते हैं, किस तरह से वो पैसा कमाते हैं, कैसे कैसे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस दायरे, उस सिस्टम और उस फ्रेमवर्क के अंदर करते हैं. एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम in which people earn their living by performing different economic activities of production, consumption and investment. तो हम ये बोल सकते हैं economy एक ऐसा system है, एक ऐसा framework है, एक ऐसा दायरा है, एक boundary है जो एक nation हो सकता है, country हो सकती है या world over हो सकता है, जिस system के अंदर लोग या उससे जुड़ी हुई जितनी भी frameworks हैं उसके द्वारा various economic activities which includes production, consumption, investment, saving, जिसको हम normally trade और commerce बोलते हैं, वो activities किस तरह से perform की जाती हैं और इस system के अंदर किस तरह से लोग अपनी जिंदगी या अपनी livelihood earn करते हैं और किस तरह से एक economy चलती है. So this is an economy. Now what is economics? जो हमारा सब्जेक्ट है, हम इकोनॉमिक्स वर्ड से या इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट से क्या समझते हैं? सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स व्हिच अराइज आउट ऑफ द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू आर नीड्स और डिजायर्स एंड दीज स्कार्स रिसोर्सेज आर पुट टू ऑल्टरनेट यूजेस. या बेसिकली हम ये बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स एक ऐसी फील्ड ऑफ नॉलेज है, एक ऐसी स्टडी है जिसके द्वारा हम ये फोकस करेंगे कि एक इकोनॉमी के जितने भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन मैनेजमेंट, वो किस तरह से उस मैनेजमेंट को, उस प्रॉब्लम को, उस इशू को एड्रेस किया जाता है. सो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज और अ सब्जेक्ट विच विल फोकस ऑन द रैशनल और प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ दीज स्कार्स रिसोर्सेज सो दैट इकोनॉमिक गेन्स आर मैक्सिमाइज्ड एट द माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल. तो हमें इतनी सी एक बात समझ आती है कि इकोनॉमी तो एक सिस्टम है, एक बाउंड्री है जिसके अंदर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज लोग परफॉर्म करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेनली रिलेट करती है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग और ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड. अब इकोनॉमिक्स एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि एक इकोनॉमी को चलाने के लिए, एक इकोनॉमी के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे एंड हाउ दिस होल इकोनॉमी वर्क्स. ये इकोनॉमिक्स का हमारा बेसिक मूड पॉइंट है या एक बेसिक स्टडी का फ्रेमवर्क है. सो इकोनॉमिक्स अब रिलेट किस चीज से करती है, तो ये हम समझते हैं इकोनॉमिक्स मेनली रिलेट करती है कि किस तरह से इकोनॉमिक इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को हमें एड्रेस करना है, हमें किस तरह से अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, किस तरह से हमने अपनी रिसोर्सेज को मैनेज करना है सो दैट इकोनॉमी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, हर व्यक्ति, हर लोग जो इस इकोनॉमी में रहते हैं वो अपनी लाइवलीहुड, लिविंग, अपनी जिंदगी इजीली जी सके और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं एक इकोनॉमी के अंदर वो इजीली परफॉर्म की जा सके. नाउ देयर आर टू बेसिक प्रॉब्लम्स और फंडामेंटल प्रॉब्लम जिसके कारण इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया जिसको हम आज स्टडी कर रहे हैं. सो व्हाट आर द टू फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दैट हैव लेड टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स? दीज आर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स एंड ऑल्टरनेट यूज ऑफ दीज स्कार्स रिसोर्सेज. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिसोर्स क्या होती है. जब हम एक वर्ड बोलते हैं रिसोर्स, उसका मतलब क्या है? So a resource is anything that has economic benefit or anything which can be used to satisfy any need or fulfill any desire. कहता है resource एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है या कोई भी ऐसी thing which has economic benefit या जिसके अंदर ऐसी क्षमता है, एक ऐसी power है जो हमारी किसी need को, हमारी किसी जरूरत को, हमारी किसी इच्छा को satisfy
कर सके. सो एनी थिंग विच हैज इकोनॉमिक बेनिफिट और विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड और वॉन्ट विल बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स. नाउ इस रिसोर्स के एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो वॉटर, एयर है ना, पेट्रोल, डीजल, टेबल, चेयर, रॉ मटेरियल किसी भी प्रकार का, क्लॉथ, ये सारी चीजें हमारी क्या हैं, रिसोर्सेज हैं. एक इकोनॉमी में हर वो वस्तु, हर वो चीज जो किसी ना किसी जरूरत को पूरा करती है, किसी ना किसी इच्छा को पूरा करती है, किसी डिजायर को फुलफिल करने के काम आती है या किसी इकोनॉमिक बेनिफिट को हमें प्रोवाइड करती है, तो वो हम रिसोर्स की डेफिनेशन में बोलेंगे. ठीक है. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके कारण इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करते हैं वो यही है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं. स्कार्स मींस दे आर लिमिटेड. अनलिमिटेड रिसोर्स अगर होती तो प्रॉब्लम ना होती. एक वर्ड होता है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज नेवर अ प्रॉब्लम. ज्यादा की प्रॉब्लम नहीं होती, कम की प्रॉब्लम होती है. कोई चीज थोड़ी है, कोई चीज कम है, किसी चीज की कमी है, स्कार्सिटी है, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है. सो ये जो रिसोर्सेज हैं एक इकोनॉमी के अंदर, एक देश के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज हों, नेचुरल रिसोर्सेज हों, मैनमेड रिसोर्सेज हों, कोई भी हो, वो रिसोर्सेज की कमी है देश में, इकोनॉमी में उस रिसोर्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, स्कार्सिटी है. यही सबसे बड़ी बिगेस्ट चैलेंज है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं. स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही किसी चीज की कमी है, किसी रिसोर्स की कमी है, ऐसा नहीं है. इट इज यूनिवर्सल, इट इज वर्ल्ड ओवर यही फिनोमेना है. आर नीड्स आर एंडलेस एंड ऑलवेज रेस अहेड ऑफ आर रिसोर्सेज. नो मैटर हाउ रिच यू आर एज एन इंडिविजुअल, द रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल आर ऑलवेज स्कार्स टू सेटिस्फाई ऑल योर वॉन्ट्स. स्कार्सिटी इज एन अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम which can only be managed but can never be solved or eradicated. कहता है कोई वस्तु की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है कि उससे रिलेटेड जो हमारे नीड्स हैं, उससे रिलेटेड हमारी जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं और वो सभी जरूरत उस लिमिटेड रिसोर्स, उस स्कार्स रिसोर्स से हम पूरी नहीं कर सकते. देयरफोर इट इज very important to understand that scarcity is unavoidable problem. yani ki har desh har economy ko ye problem to hamesha rahegi ki uske paas jo resources hai at the disposal wo ek limited resource hai aur ye ek unavoidable problem hai which can only be managed but it can never be solved or eradicated. ye scarcity ki jo problem hai, resource ki kami hona, इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं पर हम इसको कभी भी हटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते अपनी जिंदगी से, या इस प्रॉब्लम को कभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू जेनरेट दीज रिसोर्सेज. क्या हम पानी बना सकते हैं? क्या हम हवा बना सकते हैं? नहीं बना सकते. क्या हम आज की डेट में, तो एक और प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड सैंड अवेलेबिलिटी. अब वो एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है वर्ल्ड ओवर. So these resources are limited and these cannot be increased in their capacity. So हम इन problems को सिर्फ manage कर सकते हैं, इनको solve नहीं कर पाएंगे. Second problem is that there are alternate uses of these resources. The resources have alternate uses. सबसे बड़ी problem तो पहले ये थी कि हमारे पास resources की कमी है. बाद में ये पता चला जो resource हमारे पास है उनसे हमें बहुत सारी चीजें बनानी है, उनसे हमें बहुत सारी जरूरतें पूरी करनी है. सो द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स एंड द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल और प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज टू अल्टरनेट यूजेस एंड इट इज ब्रीफली कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो अब हमें एक बात समझ आ रही है कि सबसे पहले तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है. उस कमी को तो हम कभी पूरा नहीं कर सकते बिकॉज दीज रिसोर्सेज कैन नेवर बी इंक्रीज्ड इन देयर कैपेसिटी. तो ये तो सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम थी, जड़ थी किसी प्रॉब्लम की. और इसने हमारे को एक और प्रॉब्लम जन्म दे दी, या एक और प्रॉब्लम हमारे यहां पर स्टार्ट हो गई, वो है कि ये कम रिसोर्सेज को अब हम यूज कैसे करें, इसकी मैनेजमेंट कैसे करें, इसकी प्रूडेंट यूटिलाइजेशन, इसकी प्रूडेंट मैनेजमेंट, जो रिसोर्सेज कम है वो किस तरह से की जाएगी, ये भी एक सबसे बड़ा
नया प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये दो प्रॉब्लम्स फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। आपको एक सवाल आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और व्हाट हैज लेड टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम बोलेंगे दो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स एंड सेकेंड ऑल्टरनेट यूजेस। एक हमारी रिसोर्स पहले से ही लिमिटेड है, पहले से ही हमारे पास जो रिसोर्स है उसकी कमी है, और दूसरा उस कम रिसोर्स के हमारे को बहुत सारे काम करने हैं। हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, हमारे जो डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड डिजायर्स को हम लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल लेता हूं, हम बोलते हैं कि मनी इज अ रिसोर्स, राइट। मनी एक रिसोर्स है बिकॉज हर वो चीज जिसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट है, जो हमारी किसी जरूरत को, इच्छा को, डिजायर को पूरा करने में काम आएगी, हम उसको रिसोर्स की डेफिनेशन में मानते हैं। सो मनी बाय इट्स डेफिनेशन बिकम्स अ रिसोर्स। नाउ टेक फॉर एग्जाम्पल योर सेल्फ और एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, पैसा लिमिटेड है ना। तो पैसा क्योंकि एक रिसोर्स है और वो लिमिटेड है, और उस पैसे से हमें अपनी बहुत सारी नीड्स, जरूरतें, इच्छाएं, वांट्स को पूरा करना है, और हमारी जो नीड्स और डिजायर्स होते हैं वो अनलिमिटेड है। हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें बंगला भी चाहिए, हमें घूमने भी जाना है, हमें खाना पीना भी करना है, एंड सो ऑन। सो वी हैव अनलिमिटेड डिजायर्स विच आर टू बी फुलफिल्ड यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स, सो इट इज नॉट पॉसिबल। अब हमें अपने कम पैसों से, अपनी कम रिसोर्स से किस तरह से अपनी जरूरतों को पूरा करना है, यही हमें कौन बताता है, यही हमारे को इकोनॉमिक्स की स्टडी बताती है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू द प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स टू फुलफिल और सैटिस्फाई आवर नीड्स और वांट्स। सो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी कि अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है, आपको ये समझ आ गया है कि हम किस तरह का सब्जेक्ट स्टडी करने वाले हैं, सो नाउ इज द टाइम वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। सो फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर मे डिसाइड टू यूज हिज लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट, शुगर केन। एक फार्मर है जिसके पास एक जमीन है, एक लैंड का पोर्शन है, तो ये लैंड क्या हुआ? रिसोर्स। तो दिस लैंड बिकम्स अ रिसोर्स, एंड अब उस फार्मर को ये डिसाइड करना है कि वो इस जमीन के ऊपर, इस लैंड के ऊपर किस चीज की प्रोडक्शन करे। तो उसके पास अब ऑप्शंस क्या हैं, उसके पास चॉइसेस क्या हैं, उसके पास ये चॉइस है कि उस जमीन को, उस लैंड को यूज करके क्या मैं राइस की प्रोडक्शन करूं, क्या वीट की प्रोडक्शन करूं, या फिर शुगर केन की प्रोडक्शन करूं। तो ये उसके लिए एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब अब उसे अपनी लिमिटेड रिसोर्स लैंड को यूज किस चीज को बनाने में करना है, वीट, राइस या शुगर केन, ये उसको चूज करना है, डिसाइड करना है। सो इकोनॉमी और उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? अभी हमने एक बात करी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द मेन प्रॉब्लम दैट एवरी इकोनॉमी विल फेस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और फिर हमने बोला कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है, ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो हमने बोला एवरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल बी कॉज्ड बाय दीज थ्री रीजंस। फर्स्ट, देर आर अनलिमिटेड वांट्स और डिजायर। हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं, और उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। सो इट इज ए डेडली कॉम्बिनेशन। हमारी अनलिमिटेड जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास है क्या? लिमिटेड रिसोर्स, और उन रिसोर्सेज को अगेन हम बहुत सारे ऑल्टरनेट यूजेस में लगा सकते हैं, यानी कि एवरी रिसोर्स हैज अ ऑल्टरनेट यूज। एक एग्जांपल हमने किया था, फार्मर के पास जो लैंड है, उस लैंड की जो यूसेज है वो बहुत अलग अलग हो सकती है। वो उस लैंड के ऊपर वीट भी प्रोडक्शन कर सकता है, राइस की प्रोडक्शन कर सकता है, शुगर केन की प्रोडक्शन कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। सो दीज थ्री आर द मेन कॉजेज ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी और द प्रॉब्लम ऑफ
चॉइस. द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड और कॉमर्स, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो एक इकोनॉमी के फ्रेमवर्क या एक दायरे के अंदर हम परफॉर्म करते हैं. एंड सिंस द इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर स्कार्स, एवरी इकोनॉमी विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इट रिलेट्स टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेट यूजेस. तो हमने पढ़ा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या है. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब है कि किस तरह से हम अपनी जो लिमिटेड रिसोर्स है, जिसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं, उसको किस तरह से हम एलोकेट करेंगे टुवर्ड्स द अनलिमिटेड नीड्स और वॉन्ट्स. दिस इज कॉमनली नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. तो हमें अब समझना है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कितने प्रकार की है. तो हमने बोला द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसके तीन रूप हैं. दीज आर डिवाइडेड इंटू वॉट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. तो हमें समझ आया कि एक इकोनॉमी विल एवरी टाइम फेस अ प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. That problem of choice arises because of unlimited wants, limited resource and alternate use of those resources. And because of this problem of choice, there are three problems that every economy will face. These are what to produce, how to produce and for whom to produce. सबसे पहली बात करते हैं what to produce की. Every economy is a mix of consumers and प्रोड्यूसर्स. देखो एक देश एक इकोनॉमी के अंदर कुछ कंज्यूमर्स होंगे और कुछ प्रोड्यूसर्स होंगे. कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की. जैसे कि आप और मैं, हमें अपनी जरूरतों को, हमारे इच्छाओं को, हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार के गुड्स या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट रिक्वायरमेंट हम डिमांड करेंगे कि वो जरूरतें पूरी करने के लिए हमारे को गुड्स और सर्विसेज दिए जाएं. अब ये गुड्स और सर्विसेज ना आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं एज अ कंज्यूमर. तो इस गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कौन करता है, इसकी सप्लाई करता है प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब बिजनेसेस, है ना, प्रोड्यूसर्स, जहां पर गुड्स और सर्विसेज बनाए जाते हैं. सो एक इकोनॉमी के अंदर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड देयर इज इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशन बिटवीन दीज कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कुछ भी बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे, कंज्यूमर के लिए. और कंज्यूमर कुछ भी मांगेगा तो किससे मांगेगा, प्रोड्यूसर से. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एवरी इकोनॉमी विल फेस टू डायमेंशनल प्रॉब्लम ऑफ वॉट टू प्रोड्यूस. अब क्या सामान बनाए, ये एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है, वॉट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए. नाउ वॉट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन वॉट क्वांटिटी दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड इज द प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड वॉट टू प्रोड्यूस. क्या बनाए और कितनी मात्रा में बनाए, ये है वॉट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम. Now, consumer goods are essential to promote the quality of life and capital goods are essential to increase the production capacity. एक बात को यहां पर समझो, हमने बोला एक economy के अंदर कुछ consumers होंगे और कुछ producers होंगे. Consumers basically consumption of goods and services करते हैं और producers प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं. अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंज्यूमर मांगता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स. क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स. जैसे कि क्लॉथ, फूड, है ना, बुक्स, टीवी, एसी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स. बिकॉज आपको और मुझे एज अ कंज्यूमर इन सामानों की जरूरत पड़ती है. और प्रोड्यूसर को भी कुछ सामान चाहिए जिसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स. फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी. बिना मशीनरी के, बिना इक्विपमेंट के, बिना टूल्स के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंप्यूटर बनाना है
तो किसी ना किसी मशीनरी का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर बनाओगे। अगर आपको मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन करनी है तो कोई ना कोई प्लांट एंड मशीनरी को यूज करके फैक्ट्री के अंदर, तभी तो आपकी मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन होगी। सो दैट प्लांट एंड मशीनरी इज कॉल्ड कैपिटल गुड एंड कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज एंड कंज्यूमर गुड्स आर मेंट फॉर कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर्स। अब चाहे कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, चाहे प्रोड्यूसर गुड्स बनाने हैं, कैपिटल गुड्स बनाने हैं, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए रॉ मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। अब ये रिसोर्स क्या है? ये तो सर रिसोर्स लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड रिसोर्स से क्या मैं कैपिटल गुड्स बनाऊं या मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊं, और कितनी मात्रा में बनाऊं? कितना कंज्यूमर गुड बनाने में मेरे पास रॉ मटेरियल यूज हो जाएगा, कितना कैपिटल गुड बनाने में मेरा रॉ मटेरियल यूज हो जाएगा? पर रॉ मटेरियल तो लिमिटेड है ना, रिसोर्स तो लिमिटेड है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। मैं क्या बनाऊं देश में? क्या देश में कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए कंज्यूमर गुड्स बनाए जाए, या प्रोड्यूसर्स को मदद करने के लिए उनके लिए कैपिटल गुड्स बनाए जाए? यही तो एक प्रॉब्लम है, विच इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, नाउ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स विल मीन प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ कैपिटल गुड्स। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। मेरे पास एक रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल रिसोर्स की एक लिमिटेड मेरे पास अवेलेबिलिटी। ठीक, अब उस लिमिटेड रिसोर्स से कितना मैं कंज्यूमर गुड बनाऊं और कितना मैं कैपिटल गुड बनाऊं, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा कंज्यूमर गुड बनाऊंगा तो मेरे पास कम रॉ मटेरियल, कम रिसोर्स रह जाएगी कैपिटल गुड बनाने के लिए, और अगर मैं ज्यादा कैपिटल गुड बनाऊंगा देन आई विल हैव लेस रॉ मटेरियल और रिसोर्स लेफ्ट फॉर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस, देयर हैज टू बी अ डिसीजन कि मुझे कितना कंज्यूमर गुड और कितना कैपिटल गुड बनाना चाहिए। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूं थ्रू दैट फार्मर एग्जाम्पल। मैंने बोला एक फार्मर है, फार्मर के पास ये एक लैंड है। अब लैंड तो सीमित है, लिमिटेड है, और ये उस लैंड की एक बाउंड्री है। अब इस लैंड के ऊपर जो फार्मर है उसके पास एक चॉइस है। चॉइस ये है कि क्या इस लैंड के ऊपर वो राइस की प्रोडक्शन करे या वो इस लैंड के ऊपर वीट की प्रोडक्शन करे। उसके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो लैंड के ऊपर खेती किसकी करेगा, राइस की, या खेती किसकी करेगा, वीट की। अब नाउ सिंस दिस लैंड इज लिमिटेड, ही हैज टू मेक अ चॉइस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो उसको क्या बनाना चाहिए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कितना राइस बनाना है और कितना मुझे वीट बनाना है। सो ही हैज अ चॉइस कि इतनी लैंड के ऊपर वो राइस की पैदावार कर दे और इतनी लैंड के ऊपर वो वीट की पैदावार कर दे, है ना, उसके पास चॉइस। ऐसी भी चॉइस है कि वो सारी ही जमीन के ऊपर राइस उगा ले या सारी ही जमीन के ऊपर वीट उगा ले, या अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ लैंड टू बी यूज्ड फॉर राइस और सम टू बी यूज्ड फॉर वीट। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस व्हिच इज रिलेट टू, व्हिच रिलेट्स टू और व्हिच इज रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक हुआ, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक रॉ मटेरियल है व्हिच इज लेट्स से आयरन, लोहा। अब क्योंकि ये आयरन एक रॉ मटेरियल है और इसकी मेरे पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, तो मुझे एक चॉइस करनी पड़ेगी, मुझे चूज करना पड़ेगा कि इस आयरन से क्या मैं टेबल बनाऊं या मैं चेयर बनाऊं। मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर ऑफ फर्नीचर हूं और मैं टेबल और चेयर फर्नीचर बना सकता हूं। बनाऊंगा किससे? रॉ मटेरियल आयरन से। आयरन कितना है मेरे पास? लिमिटेड। सो देयर इज अ प्रॉब्लम दैट देयर इज लिमिटेड रिसोर्स एंड दिस लिमिटेड रिसोर्स हैज टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टेबल और चेयर। एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टेबल और चेयर आई विल हैव टू प्रोड्यूस, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस।
मुझे कितना रिसोर्स यूज करना है टेबल के लिए और कितना रिसोर्स यूज करना है चेयर के लिए, यही तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि मुझे एक लिमिटेड रिसोर्स को किस चीज को बनाने में इस्तेमाल करना है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। एन इकोनॉमी कैन नॉट हैव मोर ऑफ बोथ टाइप ऑफ गुड्स। अब ये समझो, क्योंकि हमारी रिसोर्स लिमिटेड है तो हम दोनों चीजें ज्यादा नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मर राइस ज्यादा उगाना चाहता है तो उसको वीट कम करना पड़ेगा, और अगर वीट ज्यादा उगाना चाहता है तो उसको राइस कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि राइस भी ज्यादा उग जाए और वीट की पैदावार भी ज्यादा हो जाए, नहीं होगा, बिकॉज लैंड इज लिमिटेड। सिमिलरली, दैट मैन्युफैक्चरर हैज टू डिसाइड कि उसको ज्यादा टेबल चाहिए कि ज्यादा चेयर चाहिए। अगर वो ज्यादा टेबल बनाएगा तो रॉ मटेरियल टेबल में ज्यादा यूज हो जाएगा, तो फिर चेयर्स कम बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर चेयर्स ज्यादा बनानी है तो फिर रॉ मटेरियल टेबल पर बनाने के लिए कम रह जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ही कैन हैव मोर ऑफ टेबल्स एंड मोर ऑफ चेयर्स। Why? Because resources are limited. Clear हुआ? A choice has to be made across consumer goods and capital goods. तो जो हमने एक example लिया कि हम economy में consumer goods बनाएं या capital goods बनाएं, ये depend करता है कि कितना मुझे consumer good बनाना है, कितना मुझे capital good बनाना है। If I have more of consumer goods, then I will have less of capital goods. And if I want to have more of capital goods, I will have less of consumer goods. An economy has to make a choice of the wants which are important for the economy as a whole. For example, if the economy decides to produce more cloth, it is bound to reduce the production of food. ऐसे example लिया है कि अगर देश में cloth की requirement ज़्यादा है, तो cloth ज़्यादा बनाने में resources लग जाएंगी, तो फिर food की production कम हो जाएगी। So आपको problem of choice में पहली problem समझ आ गई, What to produce? Next problem क्या है? How to produce? बनाएं क्या और कितना बनाएं? ये हमने decide कर लिया। अब problem आती है, कैसे बनाएं? How to produce? How to produce refers to the technique of production. Technique of production. The problem of choice emerges because there are more than one way of producing goods and services. Since the resources are scarce, an inefficient technique of production which would lead to wastage and high cost cannot be applied. कहता है एक तो हमारे पास resources की पहले ही कमी है, और फिर जो सामान हमको बनाना है उसमें हमने एक choice करनी है। Choice सामान बनाने में जब आपने कर ली, फिर हमारे को एक और problem खड़ी हो जाती है, वो है problem of how to produce. Because every good or service can be produced using more than one way of technique. Now, which technique of production has to be followed must be decided prudently, rationally. बहुत दिमाग से, बहुत सोच के आपको ये decide करना है, मैं किस तरह से कोई सामान को बनाऊंगा, because अगर wastage हो जाएगी, high cost of production हो जाएगी, तो resource की कमी के साथ साथ ये हमारे लिए एक problem खड़ी कर देगा, because हमारी production कम हो जाएगी फिर. The technique of production which would maximize the output and minimize the cost मस्ट बी यूज। कहता है हमें किस तरह से कोई सामान को बनाना है, किस तरह से कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, इसको डिसाइड करने का सबसे बेस्ट आंसर क्या है? टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सामान की बनने की जो लागत है, बनाने की जो कॉस्ट है, वो कम हो जाए और मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कर सकें, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम बना सकें, अगर ऐसी कोई टेक्निक हम फॉलो करें, दैट वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर द इकोनॉमी। तो बोलता है नॉर्मली देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये आप पढ़ते आए हो आज तक, या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करोगे या आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करोगे। मतलब या तो आप लोगों से प्रोडक्शन करवाओगे, लेबर से प्रोडक्शन करवाओगे, या फिर आप प्लांट एंड मशीनरी से प्रोडक्शन करवाओगे। ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि अगर मान लो मुझे टेबल और चेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है,
मेरी फैक्ट्री है जहां पर मैं फर्नीचर बनाता हूँ, टेबल्स और चेयर्स बनाता हूँ। अब या तो मैं उस फैक्ट्री में लोगों की भर्ती कर दूं, बहुत सारे लोग ले आऊं, लेबर ले आऊं और उनको बोलूं कि हाथ से आप टेबल चेयर्स बनाओ। तो देयर इज वन टेक्निक विच इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब बाय यूजिंग पीपल और लेबर इन योर फैक्ट्री यू कैन प्रोड्यूस गुड्स। सेकेंड टेक्निक क्या है, आई कैन यूज मोर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विच इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें लोगों की रिक्वायरमेंट कम है और प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी कि जो सामान मुझे बनाना है उस सामान को मैं कैसे बनाऊं। क्या मैं लेबर को यूज करके प्रोडक्शन करूं या मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर प्लांट एंड मशीनरी, रोबोट्स, इनके थ्रू, मशीन के थ्रू हम अपने प्रोडक्शन करें। इन दोनों ही चॉइसेस को आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा डिसाइड करने से पहले कि मुझे पीपल और लेबर को यूज करना है, प्लांट एंड मशीनरी को यूज करना है। ये चॉइस आपको करनी पड़ेगी और ये चॉइस करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन आपको इन दो आंसर्स को ढूंढ के मिलेगा कि कौन सी टेक्निक को यूज करके मेरी लागत कम होती है, प्रोडक्शन करने की कॉस्ट कम होती है और मेरा आउटपुट मैक्सिमम होता है। एनी टेक्निक विच लीड्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट मस्ट बी फॉलोड। सो बोलता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूजेस लेबर मोर देन कैपिटल, वेयर एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूजेस मोर ऑफ कैपिटल और मशीन्स देन लेबर। द चॉइस बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बिकम्स अ प्रॉब्लम बिकॉज द प्रोड्यूसर नीड टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट एंड एट द सेम टाइम मैक्सिमाइज देयर एफिशिएंसी और आउटपुट। सिमिलरली एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल द लेबर इंटेंसिव टेक्निक हेल्प्स टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट वाइल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पुशेस द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। देखो देश में लोगों को रोजगार चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अगर एक ऐसा देश है, एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर लोग बहुत हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना हो गया, इंडिया हो गया, है ना, जहां पर देर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, सो वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अगर आप यूज करोगे इकोनॉमी के अंदर, हर फैक्ट्री, हर प्रोड्यूसर अगर अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपने शॉप के अंदर लोगों को यूज करके प्रोडक्शन करेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म होगी। लेकिन अगर ऐसा ना करके हम हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन अपनी शॉप में, अपने फैक्ट्री के अंदर कैपिटल लगा ले, मशीन्स लगा के उनसे प्रोडक्शन करेगा तो लोगों को रोजगार मिलना बंद हो जाएगा और फिर अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। सो यू हैव टू डिसाइड फॉर द इकोनॉमी विच मेथड इज बेस्ट सूटेड। क्या लेबर इंटेंसिव मेथड को यूज किया जाए या कैपिटल इंटेंसिव मेथड को यूज किया जाए। अब सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, ये भी डिसाइड करना है कि लेबर यूज करके या कैपिटल यूज करके मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम कॉस्ट पर प्रोडक्शन हो तो फायदेमंद है। सो आपने देखा दो प्रॉब्लम्स आपको नजर आ चुकी हैं। प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस की, हम क्या बनाए, क्या हम टेबल बनाए या हम चेयर बनाए रॉ मटेरियल को यूज करके, सबसे पहले ये प्रॉब्लम थी। फिर प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। मान लो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम ज्यादा टेबल बनाएंगे और कम चेयर बनाएंगे, सो हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि हम ज्यादा टेबल्स बनाएंगे और कम चेयर्स बनाएंगे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइजेस, कैसे बनाएंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, अब इसका भी सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इसमें मुझे अब लेबर को इस्तेमाल करना है या मुझे कैपिटल को यूज करना है, कैपिटल मींस मशीनरीज को यूज करना है, तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी होगी ना यहां पर। अब लेट्स से हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम लेबर को ज्यादा यूज करेंगे तो फिर कैपिटल कम यूज करेंगे, सो यहां पर भी हमको एक सॉल्यूशन मिल गया। सो धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स नजर आती हैं और फिर आप उनको इवैल्यूएट करके ये डिसाइड करते हो कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन क्या मिला, टेबल प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस का आपको सॉल्यूशन क्या मिला कि लेबर को यूज करेंगे। यहां तक तो दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व आपने कर लिया, अब एक तीसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी
वो क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, पहले था क्या बनाए, फिर कैसे बनाए, और अब किसके लिए बनाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम इन द इकोनॉमी, विच रिलेट्स टू फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें यह समझना है कि देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद रखना इकोनॉमिक्स में, और आगे जाके हमारे एक चैप्टर है प्रोडक्शन, तो उसमें भी हमें समझ आएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर, स्किल और टैलेंट, इन चार फैक्टर्स को यूज करके हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। विदाउट लैंड, विदाउट लेबर, विदाउट कैपिटल एंड विदाउट एंटरप्रेन्योर हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। सो दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जब भी इनको यूज करेंगे हम, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को, तो हम सामान की प्रोडक्शन करेंगे। अब सामान बनेगा, प्रोडक्शन होगी, तो उसमें वैल्यू एडिशन होगी, सामान की कीमत होगी, और सामान बनेगा तो साथ साथ वो इनकम जनरेट करेगा। इनकम जनरेट करेगा तो उस इनकम का बंटवारा होगा, उस इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर्स को यूज करके हमने किसी भी सामान की प्रोडक्शन करी। प्रोडक्शन करने के साथ साथ हमने पैसा कमाया, पैसा कमाया तो अल्टीमेटली लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को पैसा देना भी तो पड़ेगा। तो लैंड के बदले हमें रेंट चुकाना पड़ेगा, लेबर को उसकी वेजेस देनी पड़ेगी, कैपिटल को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर को हम बिजनेसमैन भी बोलते हैं, वो अपना प्रॉफिट कमाएगा। सो व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड विल लीड टू जनरेशन ऑफ इनकम, और जो इनकम जनरेट होगी अल्टीमेटली उस इनकम को आपने डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। लैंड जिससे लिया है उसको किराया दे दोगे, रेंट चुका दोगे, जो लेबर आपके पास काम कर रही थी उसको आप उसकी सैलरी और वेजेस पे कर दोगे, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर दोगे, और जो बिजनेसमैन काम कर रहा था अपना स्किल, टैलेंट और सारे रिस्क लेता है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। कितना रेंट दोगे लैंड को, कितनी वेजेस दोगे लेबर को, कितना इंटरेस्ट दोगे कैपिटल को, और कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए बिजनेसमैन को, ये होता है फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना। अगर आप ज्यादा रेंट दे दोगे, ज्यादा वेजेस दे दोगे और ज्यादा इंटरेस्ट दे दोगे तो प्रॉफिट कम बचेगा बिजनेसमैन के हाथ में। सिमिलरली अगर बिजनेसमैन को प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट कम पे करना होगा। सो देर हैज टू बी अ बैलेंस, देर हैज टू बी अ डिसीजन कि किस तरह से अपनी कमाई हुई इनकम को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। सिंस प्रोडक्शन इज बिकॉज ऑफ फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, देयरफॉर आउटपुट इमर्जिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो मैंने आपको यहां पर बताया। दस द क्वेश्चन फॉर होम टू प्रोड्यूस actually boils down to the fact of distribution of income generated from production of output. Who is paid, how much is also a problem of choice. कितना पे करना है, किसको पे करना है, ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं फॉर हूम टू प्रोड्यूस, ठीक। एंड देन देर इज अनदर क्वेश्चन विच इज कॉल्ड इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। This is the question of how to distribute the product or income in the country between various sections of the society. अब देखो देश में तो बहुत सारे sections होंगे ना, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ middle class होंगे, so उन लोगों की income कम है, किसी की income ज़्यादा है, ये decide करती है उनकी purchasing power या capacity. The purchasing power of people depends on their income. More income means more capacity to buy. However, distribution of income may not be equal to all sections of society. Therefore, the guiding principle of this problem is that the output or the income of the economy must be distributed among different sections of society in such a way that all of them get a minimum level of consumption, which helps in reducing the inequality of income among people.
The difference in quality of life of rich and poor, also which is known as economic divide, widens due to unequal distribution of income or output. अब ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम ये बोल सकते हैं कि किस तरह से हम सामान बनाएं ताकि इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जा सके, किसको कितनी इनकम मिलेगी, किसको कितना आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस। लैंड के बदले रेंट कितना दिया जाए, लेबर को उसकी वेजेस कितनी पे की जाए, कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट कितना चुकाया जाए और प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट कितना मिले, इसको बोलते हैं फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस का सबसे पहला क्वेश्चन। सेकेंड है इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देश में कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास है, हर व्यक्ति की इनकम डिसाइड करती है उसकी परचेजिंग पावर। अमीर की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, गरीब की परचेजिंग पावर कम होती है। अब अगर आप देश में उन लोगों के लिए सामान बनाना स्टार्ट कर दो, उन क्लास उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए आप प्रोडक्शन करनी शुरू कर दो जो रिच हैं, तो फिर जो पुअर है उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन कम रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर देश में हम ये बात कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्शन होगी वो ये डिफाइन किया जाएगा रिच और पुअर के बीच में कितनी कितनी हो, और अगर एक देश ये डिसाइड कर ले कि हम जो कुछ भी प्रोडक्शन करेंगे वो सिर्फ सिर्फ अमीर के लिए करेंगे, तो उस देश में जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। और अगर आप ये डिसाइड करो इकोनॉमी के अंदर हम जो कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे वो सिर्फ हम पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए करेंगे, तो फिर जो पुअर है उसकी अपलिफ्टमेंट हो सकती है, वो शायद पुअर पीपल और पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विल स्टार्ट गेटिंग सम इनकम, और जो ये रिच और पुअर के बीच में जो डिवाइड है, ये जो डिस्टिंक्शन है, वो धीरे धीरे समाप्त या खत्म हो सकती है। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको किसके लिए सामान बनाना है। इस फॉर होम टू प्रोड्यूस का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये सोच रही है कि हम किसके लिए बनाएं, यानी कि उसके पास एक प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब अगर वो एक ऐसी कार बनाती है जो गरीब लोग खरीदेंगे, यानी कि मिडिल क्लास या पुअर पीपल या लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी खरीदेगी, तो फिर उसके अंदर उसको प्रॉफिट कम मिलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो नैनो कार बनाए या मारुति की कोई छोटी मोटी कार बनाए, तो वो कार खरीदने वाले तो बहुत लोग होंगे, इट विल बी मास प्रोड्यूस्ड, बहुत सारी प्रोडक्शन होगी, पर उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा, बिकॉज आपने किसके लिए कार बनाई है, उसके लिए बनाई है जिसकी इनकम का लेवल कम है। और अगर यही एक BMW या Audi वाली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड करती है कि हम गाड़ी किसके लिए बनाएंगे, तो फिर BMW Audi कोई कार गरीब या लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाले लोग नहीं खरीदेंगे, वो किसके लिए है, रिच के लिए है। अब इसमें क्या होगा, रिच विल गिव मोर इनकम टू दैट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो ये जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, इसको ये डिसाइड करना है हम किसके लिए गाड़ी बनाएंगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर हम गरीब मिडिल क्लास पुअर के लिए बनाएंगे तो उसमें प्रोडक्शन तो बहुत करनी पड़ेगी बिकॉज डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। और अगर हम अमीर के लिए गाड़ी बनाएंगे तो शायद डिमांड कम होगी बिकॉज बहुत सारे लोग अमीर नहीं होते, बट जो हैं उनके लिए प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखने से आप प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो। सो दिस इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो हमें अभी तक जितना भी इकोनॉमिक्स के अंदर समझ आया, हम उसको एक बार सम अप करते हैं। सो मैंने आपको ये बोला कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस arises because of limited resource, unlimited wants, and third, alternate uses of limited
रिसोर्स। ठीक, इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम फंडामेंटल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक, और इस फंडामेंटल प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के तीन रूप हैं। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, फिर है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, एंड लास्ट इज फॉर हूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। और इसी सारे को अगर मैं एक एग्जांपल से फिर से आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं वही एक फार्मर का एग्जांपल आपके लिए लूंगा। फार्मर के पास एक रिसोर्स है लैंड, दिस रिसोर्स इज लिमिटेड एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस और वीट। तो इसको समझो, लिमिटेड रिसोर्स लैंड, अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लोगों की तो रिक्वायरमेंट अनलिमिटेड है, ऑल्टरनेट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स मीन्स राइस और वीट, दोनों को पैदा करने के लिए, दोनों की पैदावार करने के, प्रोडक्शन करने के लिए हम इस लैंड को यूज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई, क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हम राइस बनाएं या वीट बनाएं, ये है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में मतलब ये फार्मर क्या ट्रैक्टर या मॉडर्न टूल्स इक्विपमेंट मशीनरी को यूज करके खेती करेगा, फार्मिंग करेगा, या ये फार्मर खुद अपनी फैमिली, अपने क्लोज जो लोग हैं उनको यूज करके, लेबर को यूज करके प्रोडक्शन करेगा। तो हाउ टू प्रोड्यूस में इसके पास एक और प्रॉब्लम है कि क्या ये लोगों को यूज करे या ये कैपिटल या प्लांट एंड मशीनरी को यूज करे। तो हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए, क्या ये पुअर के लिए बनाया जाए, क्या ये रिच के लिए बनाया जाए, क्या ये उन लोगों के लिए बनाया जाए जो देश में है, क्या ये एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाए, है ना। तो ये फॉर हूम टू प्रोड्यूस का एक क्वेश्चन है, यानी कि क्या ये इंडिया की जरूरत पूरा करने के लिए बनाया जाए, क्या ये इंडिया मीन्स डोमेस्टिक मार्केट के लिए बनाया जाए, या ये एक एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाया जाए, फॉर हूम टू प्रोड्यूस। सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हैज टू बी स्टडीड। ठीक है।